एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24x7। और कैसे हैं आप? मैं आशा कर रही हूँ आप अपने घर में बिल्कुल सेफ हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या आज हमारा है लेक्चर नंबर 2, जो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। लेक्चर नंबर 2, वर्ड स्टार्टिंग विद बी लेटर। तो कल के सेशन में हमने बहुत वर्ड्स को कर लिया था जो ए लेटर से शुरू होते थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं उन शब्दों को जो बी लेटर से शुरू होते हैं। अब बहुत ही सिंपल है, 20 वर्ड्स को मैं लेकर आऊंगी और उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो आज पहले हम देख लेते हैं कि भाई कौन सा कर रहे हैं हम। एक बार फिर देख लीजिए, आज हम कर रहे हैं लेटर स्टार्टिंग विद बी। ठीक है, बी लेटर, ठीक है, वर्ड स्टार्टिंग विद बी, सॉरी। तो चलिए जी, अब पहला हमारा बेटा आज का वर्ड है बेफुल। क्या है? बेफुल। अब बेफुल का मतलब क्या होता है? बेफुल का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा, अगर हम ये कहें कि हार्मफुल है, या उसके कोई इंटेंशंस जो हैं वो एविल इंटेंशंस है, मतलब बुरे इंटेंशंस वाला है ना, तो क्या बोलेंगे हम कि वो क्या है? बेफुल है। ठीक है, तो बेफुल का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि कोई जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, मतलब कोई भी जो चीज़ है वो कुछ ना कुछ हानिकारक है। ठीक है, तो विद इविल इंटेंशन, और यू कैन से कि कोई चीज़ हानिकारक है या somebody is having a wrong intention towards you। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे हार्मफुल से हार्मफुल ही हो जाएगा, विद इविल इंटेंशन सिनोनिम्स हो जाएंगे, विद इविल इंटेंशन मतलब इविल इंटेंशन। ठीक है, अब एंटोनिम्स क्या हो सकता है? इसका ऑपोजिट है समथिंग इज वेरी वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स यू, विच इज नॉट हार्मफुल टुवर्ड्स यू, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारे एंटोनिम हो जाते हैं। तो दो एंटोनिम्स मैं लेकर आई हूँ, दो सिनोनिम्स मैं लेकर आई हूँ, बाकी आप और ढूंढिए, है ना, और भी ज़्यादा शब्दों को हम देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो नॉलेज है वो अपग्रेड होती जाएगी। चलिए जी, सेकेंड लेटर मतलब सेकेंड वर्ड्स पे आ जाते हैं, दैट इज बाम। अब इसे हम जनरली बोलते हैं कि बाम लगा लो, बाम लगा लो, बाम लगा लो। कहते हो? नहीं कहते हो? कहते हो ना, बाम लगा लो, बाम लगा लो, है ना। सर दर्द हो रहा है, हाय सर में दर्द हो गया तो बाम लगा लो। अरे पैर में दर्द हो रहा है, अरे बाम लगा लो। मैम पैर में तो वॉलनी वगैरह कहते हैं, हाँ लेकिन सर, अच्छा का नाक में दर्द हो रहा है, नाक यार बाम लगा लेते हैं, है ना। तो दैट इज वॉट, दैट इज अ मेडिकल ऑइंटमेंट। वॉट इज ये, क्या है? ये एक मेडिकल, हम ये बोल सकते हैं ऑइंटमेंट है, या मेडिसिनल ऑइंटमेंट है। ठीक है, मेडिसिनल, और यू कैन से कि जो हमारे को क्या हेल्प कर रही है, हमारे को ठीक होने में, हमारी तबीयत को ठीक करने में कर रही है, मतलब कोई लोशन है या समथिंग दैट हील्स, जो हमारे को रिकवर करने में हमारे को हीलिंग पावर दे रही है, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बाम। ठीक है, तो सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? पोमेट, ठीक है, इमलेंट, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि एंटोनिम क्या हो गया? इरिटेंट, एस्ट्रिगेंट, तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? ये सारे के सारे यहाँ पर बेटा इसके हो जाएंगे क्या? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, व्हाट डू यू मीन बाय एंटोनिम्स? एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, पता नहीं पैर में क्या लग रहा था, एनीवेज चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेकेंड वर्ड जो है वो समझ में आ गया है? फटाफट से बताओ। चलिए अब हम करते हैं अपने थर्ड पे, ठीक है, बैन। बैन मतलब क्या होता है? कोई चीज को जैसे कि रोकना, है ना, कोई चीज को हम कह देते हैं किसी चीज को रोकना, राइट। तो बैन का मतलब क्या होता है? टू फॉरबिड, मतलब फॉरबिड मतलब दैट यू आर नॉट अलाइंग समथिंग, राइट, कि आपने किसी चीज पे रुकावट डाल दी है तो उसे हम कह देते हैं कि हमने चीज को मना कर दिया है, फॉरबिड हो गया, आउटलॉ हो गया, राइट। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा बैन, इसका मतलब ये होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द सिनोनिम्स हियर? सिनोनिम्स क्या होंगे यहाँ पर? अब देखो, अल्टीमेटली हमारा पहले मीनिंग में ही पहला एक सिनोनिम छुपा था, जैसे कि बैन का मतलब होता है दैट यू आर नॉट अलाउइंग समथिंग, राइट। तो यहाँ पर हमारा फॉरबिड भी एक सिनोनिम है, राइट और नो, है ना। तो सिनोनिम हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्रोहिबिट, ठीक है, प्रोहिबिट यू कैन से, और यू कैन से डिबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स का मतलब क्या है? अगर आप किसी को मना कर रहे हो, आउटलॉ है कोई, मतलब यू आर नॉट अलाइंग समथिंग, तो इट मींस किसी को परमिशन दे रहे हो, परमिट कर रहे हो, परमिशन कैन बी द सिनोनिम हियर,
अरे एंटनिम है, एंटनिम मतलब मैंने कहा ना कि जिसका मतलब जो है वो ऑपोजिट है। तो बैन का अगर हम बेटा मतलब कहेंगे कि कोई चीज़ जो है ये हमारी फॉरबिड है, तो अल्टीमेटली इसका ऑपोजिट क्या होगा, दैट वी आर अलाइंग समथिंग, मतलब हम किसी को परमिट कर रहे हैं, हम किसी को एडमिट कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, क्लियर हो गया। फटाफट से रीड करिए, फटाफट से रीड करिए। चलिए जी, अब यहाँ तक हमने क्या करा देख लिया है ना, अब यहाँ तक हमने समझ लिया, अब आगे समझते हैं। अगला वर्ड आ जाता है हमारी बेफलिंग, तो जिसे हम बोलते हैं बेफलिंग, ठीक है। तो बेफलिंग का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है, मतलब मीनिंग तो दे रखा है कि आप किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब कि आप किसी से बहुत ही ज़्यादा दैट आपको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कन्फाउंड हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हो, बिकॉज यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड वट द पर्सन और वट द सिचुएशन इज गोइंग टू कन्वे यू, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि मीनिंग को बेटा हम क्या बोलेंगे, टू फ्रस्ट्रेट, मतलब हम बोलेंगे कन्फाउंड हो गया, कोई चीज़ कन्फ्यूज हो गई, कोई इम्पेज हो गई, अ डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ गैस। अब यहाँ पर बेफलिंग का मतलब एक डिवाइस भी होता है जो फ्लो ऑफ गैस, गैस की फ्लो को कंट्रोल करती है, या कोई लिक्विड को कंट्रोल करता है, या कोई हम ये कहें कोई साउंड जो ओपनिंग हो रही है उससे कंट्रोलिंग पार को भी दर्शाने के लिए इस वर्ड को यूज हो सकता है। अब खाली देखिए एक वर्ड का एक मतलब नहीं होता है, इसके अनेक मतलब भी हो सकते हैं। तो उसी के हिसाब से हमारे जो सिनोनिम्स हैं दैट कैन ऑल्सो वेरी बिकॉज ऑफ द मीनिंग, राइट। तो यहाँ पर हमारे इसके सिनोनिम्स ये दे रखे हैं, एंटोनिम जैसे हमारा हो गया एड, कॉन्ट्रीब्यूट, असिस्ट हमारा करना, तो ये इसके एंटोनिम हो गए। सिनोनिम मीन्स द सेम मीनिंग दैट आई एम सेइंग यू, टू फ्रस्ट्रेट, टू कन्फ्यूज, इम्पीड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं। तो अगला आ गया हमारा बेनल, ठीक है। अगला वर्ड क्या है, फिफ्थ, बेनल। तो इसको बैनल को हम कैसे बोलते हैं, मीनिंग मतलब ओवरली कॉमन, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, मतलब क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, मतलब कि कहीं नुक्कड़ नुक्कड़ पे, जैसे पनवाड़ी की दुकान होती है ना, वैसे ही हर जगह कॉमन है, ओवरली कॉमन है, मतलब कि ज़्यादा ही कुछ। तो इसे हम बोल सकते हैं हैकनीड, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम मतलब जो ओरिजिनल है, विच इज़ नॉट कॉमन, दैट इज अनकॉमन, जो ओरिजिनल है। अब इसका मतलब कि बेनिल का मतलब यू कैन ऑल्सो से दैट फेक वन, ठीक है, नकलीपन, नकलीपन या बहुत ही कॉमन, जो जो चीज़ नकली होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा मार्केट में दिखती है ना। तो अगर आप देखोगे चाइनीज प्रोडक्ट्स, ठीक है, कॉपी जो करते हैं इंडिया के, वो ही ज़्यादा दिखते हैं। तो एंटोनिम्स क्या हो गया, ओरिजिनल या अनकॉमन। आगे चल लेते हैं, आगे है हमारा सिक्स्थ वर्ड, दैट इज बेन। क्या है बेन, बेन का मतलब होता है कोई डिस्ट्रक्शन है, कोई डेथ है, सोर्स ऑफ इविल हो गया, कर्स हो गया, सोर्स ऑफ बैड लक और हार्म हो गया, या कॉज ऑफ रुइन। तो सिनोनिम क्या हो गया, सिनोनिम हो गया स्क्रॉच, कर्स, ठीक है। एंटोनिम क्या हो गया, बून, बेनिफिट, एडवांटेज। तो ये क्या हो गए हमारे, एंटोनिम हो गए। फाइन बेटा, आगे चलते हैं, बिंचो, इसे हम बोलते हैं बिंचो, ठीक है। बिंचो का मतलब क्या होता है, टू टीज प्लेफुली इन एंड इन अ गुड ह्यूमर। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब यहाँ पर हो गया टू टीज प्लेफुली, मतलब कि हंसी मजाक में किसी का, किसी को चिढ़ा देना, उसका मतलब हो गया। तो गुजिब्रे, स्मॉल टॉक, चिटचैट, तो ये हमारा सिनोनिम हो गया। एंटोनिम क्या हो गया, कि हम अब क्या कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया। फाइन बेटा, आगे चल लेते हैं, आगे हो गया बैशफुल। बैशफुल का मतलब क्या होता है, मीनिंग मतलब कि बहुत ही ज्यादा शाय, डिम, ठीक है, क्वाइट है, तो इसे हम बैशफुल कहते हैं। और अगर इसी का मैं अगर सिनोनिम पूछूं, इट मींस कि देखिए मीनिंग में ही अल्टीमेटली सिनोनिम्स ही हैं, तो सिनोनिम्स कैन बी लाइक जो मीनिंग को भी डिफाई कर रहे हैं, क्वाइट, डिफिडेंट, नर्वस, तो ये सारी चीज़ों को वो बता रहे हैं। एंटोनिम हो गया, कोई बोल्ड है, एक्स्ट्रोवर्ट है, ठीक है, तो इसे भी हम एंटोनिम में बोलेंगे। अब हमारा आ गया नेक्स्ट वर्ब, जिसे देखने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन इसकी प्रोनंसिएशन इज ब्रोक। क्या, ब्रोक। अब ब्रोक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक बोल्ड स्टाइल आर्किटेक्चर,
ठीक है, एग्जॉबरेंट ऑर्नेट इलेबोरेट स्टाइल ऑफ डेकोरेशन और प्रेजेंटेशन, मतलब कोई आर्किटेक्चरल टाइप में अगर आप कोई बोल्ड स्टाइल में कोई डेकोरेशन में, तो इसे हम बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसी में वर्ड्स आ गए हमारे, इलेबोरेट करना, ठीक है, डेकोरेट करना, सो दिस इज द सिनोनिम्स। एंटोनिम मतलब कि कोई डेकोरेटिव नहीं है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्लेन है, ठीक है, कोई बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा बेयर है, ऑब्वियस है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे हमारे इसके एंटोनिम हो गए। और एंटोनिम क्या है, एंटोनिम इज द ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। बर्निल, बर्निल इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत ही ज्यादा ग्रैंड है, बर्निल मैजेस्टिक है, ऑगस्ट, ठीक है, ग्रैंडर्स मतलब ये एक इट इज अ काइंड ऑफ सिनोनिम ओनली यू कैन से। तो सिनोनिम इसमें हो जाएगा ग्रैंड, इंप्रेसिव या ऑपुलेंट। एंटोनिम हो गया हम्बल, मॉडेस्ट, पुअर या मीक। बॉडी, बॉडी इट इज नॉट बी ओ डी वाई, इट इज बी ए डब्ल्यू डी वाई, बॉडी, ठीक है, इसका मतलब होता है इंडेसेंट, ठीक है, ऑब्सीन। सिनोनिम क्या हो गया, कोर्स, कोई चीज वल्गर है, ठीक है, कोई चीज़ वल्गर है, तो ये सिनोनिम हो गया इसका। एंटोनिम हो गया कोई चीज़ रिफाइंड है, एडवांस्ड है, सुपीरियर है, तो ये चीज़ हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट लाइक आउटडेटेड वन। तो इसका सिनोनिम बॉडी का यू कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ आउटडेटेड वन। ठीक है, आगे आगे हमारा हो गया बॉल। ट्वेल्थ वर्ड क्या है, बॉल मतलब क्राई, लेमेंट, ठीक है, ग्रीफ, बिमोन, वेल। सिनोनिम क्या हो गया, क्राई, हॉल, वेल, रॉर, सॉब, शाउट। एंटोनिम क्या हो गया, किसी चीज का विस्पर करना, मर्मर करना या अंडरटोन। ठीक है, अगला हो गया बिटिफिक। ठीक है, बिटिफिक इसका मतलब क्या होता है, सुप्रीमली हैप्पी, एलिजिक, गिविंग ब्लिस, ब्लिसफुली। ठीक है, सिनोनिम हो गया इनोसेंट, सेंटली, वर्चुअस। एंटोनिम हो गया इविल, रॉन्ग, डिप्रेव्ड या इमोरल। देखो इसको ना आप आराम से सुनो, अपनी कॉपी में लिख लेना और बस पढ़ना है इसको। ठीक है, जितनी बारी आप रीड करोगे इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं बनता है, आप इसको अच्छी तरह सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, आगे बैगल, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा टू डिसीव, मिसलीड या चार्म। और सिनोनिम क्या होगा, बिविच। एंटोनिम ऑनेस्ट और स्ट्रेट। ठीक है, 15th वन दैट इज बेकन, इसका मतलब क्या होता है, टू मेक अ समनिंग, अ टू मतलब कि टू जेस्टर, टू मोशन। सिनोनिम हो गया सिग्नल, साइन, समन या जेस्टर। एंटोनिम हो गया डिसमिस, रिलीज, डिस्चार्ज या सैक। ओके, ओके, 16th वर्ड मैं आपको कहती हूँ कि आपको मतलब तो पता चल गया इसका, ह्यूज क्रिएचर और अ थिंग। सिनोनिम इसका आपको दिख गए, एंटोनिम भी आपको चाइनीज लिलीपुट दिख गया, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसके कम से कम 3 से 4 सिनोनिम्स दोगे। ठीक है, 3 से 4 सिनोनिम्स दोगे और साथ ही साथ इसके एंटोनिम भी दोगे, तो दिस विल बी दी होमवर्क वर्ड, बिकॉज थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मैं आऊँगी तो इस वर्ड को ज़रूर पढ़ाऊँगी। ठीक है, ये वर्ड आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बिलेटेड, बिलेटेड तो बिलेटेड मतलब क्या होता है, मीनिंग मतलब लेट है या कोई बिहाइंड है। तो हम जनरली अपने बच्चों को जब बर्थडे विश भूल जाते हैं तो डर डर के मुझे बोलना पड़ता है बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आरू। तो यहाँ पर क्या होता है कि डर के, मतलब यू आर लेट, यू आर बिहाइंड द टाइम, आप बहुत ही ज्यादा लेट हो गए, है ना। तो सिनोनिम मतलब क्या हो गया कि आप बहुत ही ज्यादा डिलेड हो गए हो या कोई बहुत ज्यादा ओवरड्यू हो गए हो। एंटोनिम क्या हो गया, ईगरली, अर्ली, सॉरी ईगरली नहीं, अर्ली, ठीक है, और आप बहुत ही ज्यादा पंचुअल हो, आप बहुत ही ज्यादा क्या हो, पंचुअल हो। ठीक है, 18th हो गया, यह आपका थोड़ा सा होमवर्क वाला क्वेश्चन है, थोड़े से जो मैं इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आई हूँ। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, 4 to 5 सिनोनिम्स आपको मुझे बताने हैं। मीनिंग मैं बता देती हूँ, हैरस करना या सराउंड करना, तो सिनोनिम क्या हो गया, एनॉय या बैजब। ठीक है, और एंटोनिम हो गया असिस्ट या एज। ठीक है,
बिलिग्यूर, आगे बिफिडल। बिफिडल का मतलब क्या होता है? बिफिडल मतलब आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो या कंफ्यूज हो थॉरली, बहुत ही ज्यादा, मतलब कोई चीज आपको बहुत ही ज्यादा मडल्ड वे में मिल रही है, हर चीज मिक्सअप है, विविंज बेफल है। ठीक है, एंटोनिम बेटा जी हो गया किसी चीज को टीच करना, कोच करना, ट्यूटर, एडुकेट करना या ड्रिल करना। तो ये भी हमारा क्या हो गया, 19th वर्ड आ गया। ठीक है, आगे हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का, दैट इज बिलिटल। बिलिटल दैट इज द लास्ट वर्ड फॉर टुडे सेशन। ठीक है, तो बिलिटल का मतलब हो गया कोई चीज़ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट, एज अनइम्पॉर्टेंट, मतलब आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यार ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, मेक लाइट ऑफ। तो सिनोनिम क्या हो गया, डिमीन, डिस्पैरेज। ठीक है, एंटोनिम क्या हो गया, किसी चीज़ को प्रेज करना या किसी चीज़ को अप्लॉड करना। तो दिस वॉज द 20th वर्ड ऑफ टूडे सेशन। तो आज का सेशन हम थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं, 20 वर्ड्स को हमने देखा, दो होमवर्क वर्ड्स हैं उस पर सिनोनिम्स आप एंटोनिम्स ढूंढिएगा, थोड़े से इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और जनरली स्पोकन इंग्लिश में भी और गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ है और इस पर आप ज़रूर फोकस करिएगा। तो होप आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मैं रुबैना तलवार जाती हूँ, ध्यान रखिएगा अपना, है ना। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।